हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हनीप्रीत का सलमान के साथ क्या कनेक्शन है। तो आइए हम जानते हैं इसके पीछे की छोटी सी कहानी को। दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद राम रहीम की मुँह बोली पुत्री हनीप्रीत गायब है और उसको ढूंढने के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी भी कर चुकी है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला है दोस्तों। और हाल में ही एक खबर के मुताबिक हनीप्रीत की एक डायरी मिली है जिसमें उसके कुछ राज मिले हैं, और वो राज ऐसे हैं जिसे पढ़ने के बाद आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। और इस डायरी में फिल्म एक्टर सलमान, शाहरुख और काजोल का भी नाम सामने आया है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस डायरी में। दोस्तों, अगर हम खबरों की माने तो हनीप्रीत का बॉलीवुड स्टार सलमान खान से एक खास कनेक्शन सामने आया है। डायरी के चौथे पेज पर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की वो फोटो लगी है जो फिल्म जब प्यार किसी से होता है के पोस्टर पर थी। और दोस्तों, हनीप्रीत सलमान खान को बचपन से ही पसंद करती थी और वही उनका सुपरस्टार था। डायरी के अनुसार हनीप्रीत सलमान की दीवानी थी और वो उन दिनों में सलमान खान की हर फिल्मों को देखा करती थी। यही नहीं, हनीप्रीत की सीक्रेट डायरी में सलमान के अलावा शाहरुख और आमिर खान की भी फ़ोटो लगी हुई है। तीसरे पेज पर एक्ट्रेस काजोल की फ़ोटो लगी है और इस डायरी में तब्बू की फ़ोटो भी लगी हुई है। दोस्तों, डायरी में लगी फ़ोटो के अनुसार ये पता चलता है कि हनीप्रीत भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हनीप्रीत सलमान खान की दीवानी थी और उनसे कनेक्ट थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।